तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिए और आपको दिखाएंगे देवनारायण जी का मंदिर जो पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस आज हम आपको दिखाएंगे देवनारायण जी का मंदिर। मोका जी आपका शुभ नाम। दाताराम। और ये पास में जो मंदिर है देवनारायण जी का, ये कितना पुराना है? कम से कम 2000 साल पुराना। और ये मंदिर बैरूजी का नीचे, ये कितना पुराना है? सात का है। और ये डाणी कौन सी है जहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है? डाणी या काड़ू की? काड़ू की डाणी होगी या एक बाणियाड़ा की डाणी करना। अच्छा, काड़ू की डाणी और बाणियाड़ा डाणी यहाँ पे ये मंदिर है ना? हाँ हाँ। और आप कितने साल से पूजा कर रहे हो यहाँ की? दो माने भी 2000 होगा, कोई इतना होगा। मतलब आपकी कई पीढ़ियों से पूजा? हाँ, पूजा पहली दूसरा पद में करवा लग गए। दोनों मंदिरों के आप ही करते हो पूजा ना? दोनों की। ठीक है, धन्यवाद। तो गाइस आज हम आपको दिखाएंगे देवनारायण जी का मंदिर। तो ऐसा है कुछ रास्ता, पहाड़ के ऊपर है ये मंदिर और चलते हैं फिर आपको दर्शन कराते हैं। तो गाइस ऐसा कुछ रास्ता है पूरा, नीचे से यहाँ पे रोड जाती है और ये पेड़ जो है वो दोक के हैं। और देख लीजिए यहाँ पर कोई भी रास्ता सीढ़ियाँ वगैरह नहीं है, कच्चा रास्ता है जहाँ से हम जा रहे हैं। तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिए। पर देखिए रास्ते के अंदर ऐसे गहरे गहरे गड्ढे हैं और ऐसे कुछ पेड़ हैं। देखिए कुछ पेड़ तो आंधी से गिर भी चुके हैं और देख लीजिए, और काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है यहाँ से। नीचे से जाती है सड़क और ये वो गड्ढा है जो मैंने आपको बताया। तो गाइस जब मैं काफ़ी ऊपर चढ़ने के बाद में फाइनली थोड़ा रास्ता आसान मिल गया, ये देख सकते हो। और आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो गाइस ये है मंदिर, तो चलते हैं और आपको कराते हैं दर्शन। वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिए। तो गाइस ये है दोक के पेड़, इन्हें दोक के पेड़ बोलते हैं। और यहाँ पर एक मोर दिखाई दे रहा होगा, वो नीचे भैंस वगैरह घास खा रही है क्योंकि यहाँ पर बारिश होने के बाद में पहाड़ पूरा हरा भरा हो गया है। और देखिए यहाँ से एक नज़ारा आ रहा है कितना अच्छा, नीचे लोगों के खेत है और यहाँ पर ये रास्ता देख लीजिए। पहले कुछ ऐसा ख़राब रास्ता था जहाँ से हम आए थे और अब रास्ता जो है सही हो गया है चलने लायक। तो एक बार देख लीजिए नीचे काफ़ी सारी भैंसें हैं जो यहाँ पर घास खा रही है। तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिए, आपको दिखाते हैं ये देव नारायण जी का मंदिर। तो गाइज काफ़ी चढ़ाई करने के बाद हम इस मंदिर पर पहुंच चुके हैं और ऐसा है इसका रास्ता आगे चलते हैं। और जिस रास्ते से हम आए हैं गाइज ये है रास्ता, इस रास्ते से हम आए हैं। ऐसे कुछ पत्थर हैं रास्ते के अंदर और यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हो कितने खूबसूरत नज़ारा है। नीचे आपको खेत दिखाई दे रहे होंगे और सामने काफ़ी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही होगी। तो चलते हैं और आपको कराते हैं इस मंदिर के दर्शन। गाइज यहाँ से आपको गोगाड़ी धाम दिखाई दे रहा होगा, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज ये है गोगाड़ी धाम और इसका वीडियो इस चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा, पहले जाके वो देख लीजिए। बहुत अच्छा धाम है गाइज, हजारों साल पुराना, तो उसका वीडियो जरूर से देख लीजिए, इसी चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। तो गाइज ये है मंदिर, हम पहुँच चुके हैं मंदिर के पास में। तो देख लीजिए अब इसी मंदिर का काम चल रहा है, ये काफ़ी पुराना है मंदिर, अब इसे बड़ा बना रहे हैं, इसके लिए इसका काम चालू है। आप देख सकते हो काफ़ी काम हो चुका है और इधर सीढ़ियों वगैरह का और इसका भी काफ़ी काम बाकी है। ऊपर से पूरा कंप्लीट हो चुका है और नीचे ये डाणी है गाइज जो इस मंदिर को इन्होंने बनाया है डाणी वालों ने। तो देख लीजिए, तो चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। तो देखिए गाइज ऐसा कुछ झंडा लगाया है यहाँ पर और ये है मंदिर गाइज। तो गाइज ये है मंदिर और ये जितनी भी मूर्तियाँ आप देख रहे हो ये सब पहाड़ के अंदर से ही निकली थी और उसके बाद में ये मंदिर बनाया गया है। तो आप देख सकते हो पहले ये छोटा मंदिर था, अब इसे बनाया गया है बड़ा। ये जो आप पट्टी लगी हुई देख रहे हो सिर्फ इतना ही मंदिर था ये, और इसके बाद में इसका पूरा काम हुआ है और अब ये बड़ा बन जाएगा। तो यहाँ से आपको एक बार मैं व्यू दिखा देता हूँ। ये है डाणी गाइज, ये गांव नहीं है और ये छोटी सी डाणी है, इसके अंदर है ये मंदिर। और आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ, इधर है बैरूजी का मंदिर तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो गाइज ये है बैरूजी का मंदिर, आप दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर ऐसे ये बकरी वगैरह बैठी रहती है क्योंकि ज़्यादा हाइट पर है ये, तो यहाँ पर जो है बकरी वगैरह चरते वगैरह आ जाती है घास खाते हुए। यहाँ से देखिए ऐसा रास्ता है, यहाँ से ये बकरी आ जाती है घास खाते खाते
और मैंने जैसे बताया कि काफ़ी हाइट पर है ये मंदिर, तो ये थक जाती तो यहाँ पर ऐसे बैठ जाती है। और इधर से आप देख लीजिए चारों तरफ आपको खेत ही खेत दिखाई दे रहे होंगे और पहाड़ और कुछ भी नहीं है गाइस, यहाँ पर पूरे जंगल के अंदर है ये मंदिर। और अभी इसका काम चल रहा है तो देख लीजिए कुछ ऐसा है। और यहाँ पर लोगों को बैठने के लिए भी रूम बनाया गया है, जहाँ पर अगर कोई लोग आते हैं थक जाते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर बैठ सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि पहाड़ी के टॉप पर है तो कोई थकता है तो यहाँ पर बैठने के लिए बनाया जाएगा। अभी तो इसका पूरा काम हुआ नहीं है तो यहाँ पर पट्टी वगैरह लगाई जाएगी जिस पर लोग बैठ सकते हैं। और यहाँ पर ये खेली टाइप में बनाई हुई है, जहाँ पर जैसे मैंने बताया ये बकरी वगैरह बैठी थी, ऐसे कुछ भी यहाँ पर आता है पशु पक्षी तो यहाँ पर पानी पी सकता है। ये देखो पाइप लगाया हुआ नीचे से आ रहा है। तो गाइस ऐसा कुछ नज़ारा इस मंदिर का देख सकते हो आप। और अभी इसका काम हो रहा है, होने के बाद में पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। तो गाइस ये है भैरव जी का मंदिर, मैं आपको दिखा देता हूँ। और इस मंदिर की और ऊपर जो पहाड़ पर मंदिर है उसकी पूजा एक ही जो बप्पा जी वो करते हैं। और यहाँ के आपको मैं दर्शन करा देता हूँ। तो गाइस ये है भैरव जी का मंदिर, देख लीजिए यहाँ पर भैरव जी की मूर्ति लगी हुई है। और ऐसा कुछ है, पूरा मंदिर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी एक भैरव जी की जो मूर्ति है वो लगी हुई है। और ऐसा कुछ है ये मंदिर। और यहाँ से जाती है सड़क, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ऊपर है वो है देवनारायण जी का मंदिर। और इन दोनों के जो पुजारी हैं वो एक ही है, जिनसे हमने अभी इंटरव्यू लिया, इनको भोपा जी कहते हैं। तो ऐसा ही कुछ है मंदिर, देख लीजिए इसके आसपास की लोकेशन एकदम हरी भरी है। और यहाँ पर ये सामने ही है पहाड़ी, तो आपको दिखा देता हूँ ये मंदिर कुछ इस प्रकार का है। तो गाइस ये ऐसा कुछ है पूरा मंदिर। और ये तो है यहाँ के बप्पा जी, और ये इनका घर यहाँ पे पास ये इन पड़ोसी है, इनका नाम राधे श्याम जी है, इनका नाम पूरन जी है। तो देख लीजिए ये यहाँ के बप्पा हैं, तो आपको दिखा दिए मंदिर। तो गाइस आज हमने आपको दिखाया देव नारायण जी का मंदिर। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से लिखिए, और ऐसे ही वीडियो में लेके आता रहता हूँ तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर। तो गाइस मैं एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो लाता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आप जाके और भी ऐसे वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।